उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ उनके तरफ से इन्हें आश्वासन मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। अभी हम पीटीएससी के जो छात्र उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मांग लेकर के पहुंचे हैं रावड़ी आवास। बिमल जी बताइए क्या बता है आप, तो एटीवी नेटवर्क जितने भी हमारे मीडिया भाई हैं सबों ने 49 दिन से हमारा साथ दिया। सबसे पहले इन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और दूसरी बात, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे पहले हम इंजीनियर को पकौड़ा बेचने नहीं देंगे और इंजीनियरों की बहाली जल्द से जल्द करवाएंगे। सर, हम बोलते हैं कि आप अब सत्ता में साझेदारी कर चुके हैं, जब आपका सत्ता नहीं था तो उससे पहले आपने सीधा आश्वासन दिया कि हम इंजीनियरों को पकौड़ा बेचने नहीं देंगे। जो 15 सितंबर 2020 था तारीख और उस दिन हम लोगों का दिवस होता है, सर सोचने की बात यह है कि आप सोचने की बात यह है सर कि आप इतने बात बोलने के बाद भी हम लोगों की पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, क्या दिक्कत है सर? अब तो आपकी सत्ता हो गई सर, आप अब तो कम से कम हम लोगों पर दया दृष्टि कीजिए। हम यही विनम्र के साथ कहना चाहेंगे सर, क्योंकि सर हम लोग इंजीनियर हैं और हम लोग सर गांधीवादी तरीके से बात करते हैं और गांधीवादी तरीके से 49 दिन से बैठे हुए हैं और हम लोग सर कोई वीर बनना नहीं चाहते हैं, हम लोग अपने नॉलेज का वीर बनना चाहते हैं। हम इंजीनियर हैं और इंजीनियर की तरफ बात करना जानते हैं सर, और आप माने या ना माने लेकिन आपको मना के रहेंगे। चाहे हमको पैर पकड़ना पड़े तो आपका पैर पकड़ेंगे, चाहे आपका गला पकड़ना सर आपका गला पकड़ेंगे, जैसा भी हो सर लेकिन आपको मना के ही रहेंगे। पूरे शरीर आपका हम लोगों के ऊपर होना चाहिए सर। अक्षय जी भी हमारे साथ है, क्या कहेंगे आज रावड़ी आवास पहुँचे हैं? मैम, बहुत दिल में अरसा लेके यहाँ पहुँचे हैं कि मानिए उप मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी यादव हम लोग की सुनेंगे। अब देखिए, ये खुशी तो आपको चेहरे से झलक रही होगी लेकिन मिलने के बाद कौन सी खुशी आएगी ये तो बाद में ही दिखाई देगा। अब यही उम्मीद लेकर दिल में अरसा लेकर उनसे मिलने आए हैं कि हम लोग की बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि हम लोग 3.5 साल से दर से दर भटक रहे थे। उनके दरवाजे पर भी विपक्ष के नेता थे तब गए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हें पकौड़ा बेचने नहीं देंगे। सरकार, आप तो अब सरकार में आ गए हैं, अब किस बात कटोरा लेने पर मजबूर हो चुके हैं, अब किस बात की इंतजार कर रहे हैं? आप इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग अब पकौड़ा की जगह कटोरा लेके रोड पे आए? सरकार, ये नौबत हम लोग के नहीं आने दीजिए, इसी से यही उम्मीद है हमको, यही एक आखिरी उम्मीद है। अब देखिए, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए बहुत दिल में अरसा लेके आए हैं। क्या कहेंगे सर, आप भी समर्थन देने आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं और लगातार 49 दिनों से बच्चे छात्र जो हैं धरना पर बैठे हुए हैं, और क्या लगता है आज आश्वासन मिल ही जाएगा कि आज के बाद आप लोगों को धरना पर बैठने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम होती है। लगातार 50 दिनों के बाद हम लोग जो धरना पर बैठे हैं तो हम लोग का अब शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों भी मतलब दयनीय स्थिति में हो गया। तो अब हम माननीय मुख्यमंत्री को ये मतलब कि याद दिलाने आए हैं कि जब ये नेता प्रतिपक्ष थे तो इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनती तो हम पहली कलम से जितने भी संविदा हैं उनको संविदा से हम लोग हटा करके हम लोग परमानेंट बहाल करेंगे। तो हम माननीय उप मुख्यमंत्री को ये याद दिलाना चाहते हैं कि भैया, अब आप उप मुख्यमंत्री बन गए और आप ही जी समय आ गया है, और इन्होंने पूर्व में भी हमारी आवाज़ को विधानसभा में उठाया, तो हमारी उम्मीद इनसे लगातार है और हम उम्मीद करते हैं कि ये युवा हैं और हमारी युवा की बात को समझेंगे और आयोग पर कुछ मतलब प्रेशर क्रिएट करेंगे। और आयोग जो है इतने दिनों से जो इस प्रक्रिया को लंबित रखे हुए हैं, देखिए उसमें से बहानाबाजी हो रहा है, आयोग बिल्कुल बहानाबाजी करे, हो सकता है इनको गुमराह कर दे कि हम फिर से वेरिफिकेशन करें। अरे साहब, जिस डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन लगाने आपको 3.5 साल लगे, आप फिर कैसे वेरिफिकेशन किया? आपने जो गलत आपने रिजल्ट पब्लिश करा दिया, ये तो आपकी गलती है। बिल्कुल, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए उनको। अगर ये बात होती है तो सबसे पहले उनको दे ऑल मस्ट बी पनिश फर्स्ट, उसके बाद कुछ बात होनी चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्यों गलती हुई साहब? जो जिस छात्र क्यों छात्र भुगते? आप भारत के तमाम कॉलेजों में जा करके आपके अधिकारियों ने वहाँ पे स्टूडेंट का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया, उसके उपरांत रिजल्ट को प्रकाशित किया गया, फिर 2 दिनों के बाद उन्होंने रिजल्ट को प्रकाशन को हटा लिया अपने, कि इसमें कुछ त्रुटि है। अरे भाई, त्रुटि है तो त्रुटि कैसा त्रुटि है, और इस एक त्रुटि को समाप्त करने में इनको कितना समय लगेगा?
और ये पूरी पूरी साजिश है इनका, आयोग का। आयोग रिजल्ट देना नहीं चाहती है, आयोग अपने दूसरे तरीके से इस काम को करना चाह रही थी, जिनका मंसूबा उनका नाकाम रहा है। तो हम ये चाहेंगे कब मतलब कि एक त्रुटि रहित रिजल्ट का प्रकाशन, माननीय उप मुख्यमंत्री को हम ये बोलने हैं कि हमारे रिजल्ट को जल्द जल्द प्रकाशित करवा दिया जाए, इसमें कोई त्रुटि ना हो, और जो भी सही छात्र इनका चयन हुआ है, जो यहाँ पे संविदा पे इतने सालों से कार्यरत हैं, कम से कम उनका संविदा का जो ये जो बोझ है वो अब हल्का हो जाए, क्योंकि उम्र भी जी जी काफ़ी, अरे उम्र सारे का उम्र 40 को क्रॉस कर चुका है, अब बहुत लंबा समय होता है ये। मतलब कुछ हमारे भाई हैं जो 25 साल से हैं, अब कुछ 20 साल से हैं, कुछ 15 साल से हैं, कुछ 12 साल से हैं, मतलब 10-12 लोग तो संविदा पे कार्यरत थे कोविड के दरमियान, और अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए मर गए। उनका कौन सुधरेगा? उनकी कब्रों पर बीटीएससी देगी क्या उनको ज्वाइनिंग? उनके कब्रों पर देंगे आप, जो मर गए, जो आज नहीं है हमारे बीच, और आपकी जांच प्रक्रिया ऐसा पूरी नहीं हो रही, कैसे पूरी होगी कि छुट्टी चाहिए? और जेई को नहीं चाहिए साहब, बांध से हम लोग भी उतर आए क्या शनिवार और रविवार को? बांध से हम लोग भी उतर आए साहब, रविवार को पथ का काम बंद कर दें साहब, सिर्फ छुट्टी आप ही को चाहिए साहब, और लोगों को भी छुट्टी चाहिए, हो गया बिहार का कल्याण? आपको शनिवार चाहिए, रविवार चाहिए, प्रतिबंधित चाहिए, फलना चाहिए, ठिकना चाहिए, सारे अधिकार आपके, और 3.5 साल रिजल्ट मेरा पेंडिंग। त्रुटि करें आप, संशोधन करें आप, और रिजल्ट हमारा पेंडिंग, और भुगते हम। अच्छी बात है साहब, अच्छा लोकतंत्र है, अच्छा प्रजातंत्र है, और अच्छी आपकी कार्यालय शैली है साहब। आपको तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए था साहब, इस कार्यशैली और इस विलंब प्रणाली के आप प्रणेता हैं साहब, आप जनक हैं। कैसे कार्यालय में चीज़ों को विलंब किया जाता है साहब, विलंब में आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए साहब, आप तो प्रणेता हैं। कार्यालय प्रणाली के नाम पर विलंब कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आपका तो यही परिदृश्य हम लोगों को दिख रहा है साहब, तो आप तो विलंब प्रणाली के प्रणेता हैं, जनक हैं साहब, आपको हम लोग सलाम करते हैं साहब, यहीं से सलाम करते हैं साहब, कि विलंब के लिए आपको विश्व का सारा रिकॉर्ड आपको दिया जाना चाहिए, जिस पढ़ाई के लिए 3 साल का समय लगता है उसका रिजल्ट 3.5 साल में प्रकाशित नहीं होता है। वाह वाह, चुनाव के लिए 3 दिन में, वाह वाह, ये क्या साहब? और आप काम करेंगे कब काम करेंगे? जब आपकी, क्योंकि साहब आज काम नहीं कर रहे हैं, एसी का लाइट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एसी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आज आप काम नहीं कर पा रहे। कल आपका कंप्यूटर मशीन खराब हो गया था, परसों आपका फोटो स्टेट में प्रॉब्लम थी, और उसके बाद जब हम लोग विनम्र अनुरोध करने जाएंगे कि सर बहुत विलम्ब हुआ, अब दे दीजिए रिजल्ट, तो कहेंगे CCTV में तुम्हारा फोटो आ रहा है, यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर कार्रवाई होगी तुम पर। ये तुम पर कार्रवाई होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो यहाँ पर, तुम पे कार्रवाई होगी, तुम प्रतिबंधित क्षेत्र में आए हो, यह प्रजातंत्र है साहब, इस प्रजातंत्र में अगर आपको आप पर जो है साहब, आपके ऊपर एक किसी तरह का मतलब जो क्या कहा जाता है, दबाया जा रहा है, आपके ऊपर किसी तरह का बात किया जा रहा है, पर आप रोए नहीं साहब, आपको रोने का भी अधिकार नहीं है, सिर्फ सहे साहब, सहे, रोए नहीं साहब, क्योंकि रोएंगे तो CCTV लगा हुआ है ना, रोना नहीं है साहब, रो क्यों सकते हैं आप? हाँ, उस पर कार्रवाई होगी, क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट मांगने आए हैं साहब, रिजल्ट मांगने आए हैं कि साहब सबसे बड़ी गलती ये हुई साहब कि हम लोग उसमें अभ्यर्थी थे। दूसरी बड़ी गलती हुई साहब कि आपसे विनम्र रूप से मांगा हमने रिजल्ट, तो अब रिजल्ट नहीं, अब यह मांगना आज के परिदृश्य में घोर अपराध है साहब। बस आप इंतज़ार करो, आपकी कब्रों पर आ जाएगा, आपकी हमारी कब्रों पर आएगा, हमारे मरने के बाद मेरी ज्वाइनिंग आएगी, मुझे पता है, क्योंकि अभी तक जांच हो रही है, कल के डेट में हो सकता है आयोग यह भी वेरीफाई करने का प्रयास करे कि साहब ये बिहार का रेसिडेंट है, ज़रा DNA भी जांच करा लिया जाए,
कि बिहार का रेसिडेंट है भी या नहीं। जांच तो बहुत तरीके की हो सकती है साहब। परसों एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोगों का जेनेटिक जीनोम भी जांच कर लीजिएगा साहब। आप जांच करते रहिए, परिणाम मत दीजिए। यह कार्यालय शैली आपकी, ईश्वर आपका भला करे साहब, भला करे आपका ईश्वर। कि सर जो इतने दिनों से विनम्र होकर के आयोग से गुहार लगा रहे थे, आज आक्रोश में दिखे। उनका जो आक्रोश था वो बहुत जायज था, जो मतलब कि 50 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और आयोग से बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं, यानी कि आक्रोशित भी नहीं है, बस अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दो। लेकिन जो छात्र की जो विनम्र जो विनती जिसको कह सकते हैं, वो आयोग सुनने को मतलब कि उसे आयोग को ये मंजूर नहीं है कि कोई उनसे आकर के इस तरह से बात करे। लेकिन छात्र जो है आज मजबूरन यहाँ पहुँचने को मजबूर है। 3 साल से आयोग से परेशान होकर पिछले 49 दिनों से गर्दनी बाग में बैठ गए हैं, फिर भी कोई सुनने नहीं गया। ये आयोग एक नंबर के निकम में भ्रष्ट विकलांग लाचार आयोग है। 49-50 दिन से बैठे हैं, कोई सुनने नहीं आया। आज बहुत उम्मीद लगा के माननीय युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के आवास पे आए हैं, कम से कम वो हमारा मदद करेंगे। ये वही उप मुख्यमंत्री है जिन्होंने बिहार को 10 लाख रोजगार तो मदद करिए। 3 साल से परेशान होकर हम लोग अब इनके पास आए हैं मदद करने, और बहुत उम्मीद है कि हमारा मदद करेंगे। उम्मीद है कि आयोग को कार्रवाई करेंगे और उसके ऊपर दबाव बनाएंगे कि रिजल्ट प्रकाशित करें। क्या कहेंगे? यही आशा में हम लोग आए हैं मैडम। हम लोग 49 दिन से भी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, जो अभी तक हम लोग को कोई मिलने भी नहीं आया था, तो हम लोग मजबूरन आज यहाँ आना पड़ा। आशा लगा कर आए तेजस्वी जी से मिलने कि कुछ हमको लिए करेंगे, हम लोग के लिए। और रही बात, तेजस्वी जी बोले थे कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, मेरा तो वैकेंसी पहले से लटकी हुई है, इसको तो जल्द क्लियर कर दे। उसके बाद वैकेंसी भी अभी नहीं, अभी तो एक वैकेंसी लटकी हुई है जो तनिक सा थोड़ा सा काम बचा हुआ, बस पब्लिश करना है। सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित करना है, और वो भी आयोग कर नहीं रही है। 50 दिन से लगातार आप लोग को गुहार पे गुहार लगाया जा रहा है, विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन आज मजबूरन राबड़ी आवास पहुंचना पड़ा। जी मैम, हम लोग बीते 49 दिन से गर्दनी बाग के धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं। बारिश भी आ रही है, धूप गर्मी बरसात काली, एक भी इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं हम लोग को दिया कि वो क्या कर रही है रिजल्ट को लेकर। उन्होंने काउंसलिंग करा लिया, उसके बाद बीते 11 तारीख के बाद तकरीबन 20 दिन बीत चुके हैं और अभी तक रिजल्ट के बारे में कोई नोटिस नहीं आया है। इसका मतलब साफ रवैया यही प्रतीत होता है कि आयोग बैठी हुई है, इस वैकेंसी को क्लियर कराना ही नहीं चाहती है। आपने सुना कि 50 दिन से लगातार बैठे हुए हैं गर्दनी बाग, लेकिन आयोग जो है कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अब देखना ये होगा कि जो राबड़ी आवास पहुंचे हैं अभ्यर्थी, क्या उप मुख्यमंत्री उनके ऊपर संज्ञान लेते हैं, आयोग के ऊपर दबाव बनाते हैं कि उनके रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करें। ये तो देखने वाली बात होगी कि आज क्या आश्वासन उप मुख्यमंत्री की तरफ से BTSC JEE के छात्रों को मिलता है। तो ऐसे तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहिए और देखते रहिए ATV नेटवर्क। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि छात्र जो हैं सब इकट्ठे होकर के उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ रिजल्ट जो है मिलता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो राबड़ी आवास के बाहर जो है BTE के जो छात्र हैं एक साथ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे बने हुए हैं कि एक नज़र उप मुख्यमंत्री उनके ऊपर डाले और उन्हें ये आश्वासन दे दे कि हम आयोग को ये आदेश देंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाएगा। जो टेक्निकल एरर को एक जरिया बना करके आपके रिजल्ट को रोक दिया गया है, उस चीज़ को हटा करके उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि आपका रिजल्ट जो है जल्द से जल्द प्रकाशित करें, ताकि आप लोग गर्दनी बाग में जो इतने दिनों से बैठे हुए हैं वो अपने घर वापस जा सके इस खुशखबरी के साथ कि आपके रिजल्ट की जो टेक्निकल एरर और भी आयोग के तरफ से जो भी बहाने बनाए जा रहे हैं उसको ख़त्म किया जाता है। आप लोगों का आयोग जो है रिजल्ट प्रकाशित करेगी और आप लोग अपने घर वापस जाइए। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहिए और देखते रहिए ATV नेटवर्क।